أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. सोशल मीडिया पर झारखंड के एक गांव की स्कूल का बताते हुए ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। दावा किया गया है कि इस गांव में 75% आबादी मुस्लिम है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि यहां हिंदू बच्चों के लिए भी नमाज पढ़ना अनिवार्य है। इसी दावे के साथ ये वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। बता दें कि ये दावा हाल ही में आई खबर के संदर्भ में शेयर किया गया है, जिसके मुताबिक झारखंड में मुस्लिम बहुल इलाके के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी। लेकिन वीडियो की तफ्तीश करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि यह वीडियो झारखंड का नहीं है। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें न्यूज 18 असम की ये रिपोर्ट मिली। आर्टिकल के मुताबिक ये वीडियो असम के जोरहाट जिले के मरियानी के हेमलाई ज्ञान विकास प्राइमरी स्कूल का है। आर्टिकल का फीचर इमेज वायरल वीडियो से मेल खाता है। 7 जून की द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुणोत्सव में प्रार्थना के दौरान स्टूडेंट्स ने अजान पढ़ी थी। इस वजह से असम शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस भेजा था। बता दें कि गुणोत्सव एक शैक्षिक अभ्यास है, जिसमें स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। स्क्रीन पर आरोपी शिक्षक को भेजा गया कारण बताओ नोटिस देखा जा सकता है। जोरहाट जिला की शिक्षा अधिकारी सुबलक्ष्मी राजकुमारी ने कहा कि आरोपी शिक्षक के कबूलनामे के मुताबिक जब प्रार्थना के समय स्कूल में हाजिर अधिकारियों के सामने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए लाइन में खड़े थे, उस वक्त एक लड़के ने अजान पढ़ी थी। यानी असम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो झारखंड में मुस्लिम बहुल इलाके के स्कूल में अजान पढ़े जाने के झूठे दावे के साथ शेयर किया गया।